फ्रेंड्स, ये है हेना पेस्ट, जो कि घर पर बना हुआ होममेड नेचुरल ऑर्गेनिक हेना पेस्ट। सेट हुआ हेना पेस्ट यानी आफ्टर 24 आवर्स के बाद स्ट्रेन करने के लिए सबसे पहले हमें लेना है एक लंबी ग्लास। उसके अंदर हमें रखना है कैरेट बैग या पाइपिंग बैग, इस तरह ओपन करके रख दें। तो नेक्स्ट इसके अंदर हम रख देंगे, देखिए ये है स्टॉक, इस तरह ओपन करके इसके अंदर रख दें। इसकी हेल्प से हेना को स्ट्रेन करने से हेना पेस्ट अच्छे से स्ट्रेन भी हो जाएगा और उसके साथ साथ हेना पेस्ट स्मूथ एंड सिल्की बनेगा। तो नेक्स्ट इसके अंदर हम फिल कर देना है प्रिपेयर करके रखा हुआ हेना पेस्ट। तो याद रखें, इस हेना स्ट्रेन प्रोसेस को कोन्स के अंदर फिल करने से बिफोर हमें करना है, यानी हेना पेस्ट को अच्छे से सेट होने के बाद हमें करना है। हेना को फिल करने के बाद इस तरह ले लें। फिर नेक्स्ट नीचे से पाइपिंग बैग की हेल्प से, तो देखिए यहाँ पर जिस तरह बता रही हूँ उस तरह पाइपिंग बैग को कवर करते हुए इस तरह पकड़कर अब नीचे जो हमने रखा था ग्लास उसको निकाल कर एक हाथ से हमें कैरेट बैग को टाइट से पकड़कर और एक हाथ से इस तरह स्टॉक्स को पुल करते रहें। पहले हमें आहिस्ता आहिस्ता कर देखिए जिस तरह मैं यहाँ पर बता रही हूँ उस तरह, फिर हमें थोड़ा फोर्स करते हुए इस तरह कंप्लीट से पुल करना है। कंप्लीट से पुल आउट होने तक हमें इसी तरह खींचते रहना है। पर याद रखें, जिस हाथ से हमने पाइपिंग बैग को कवर करके पकड़ा है उसको हमें लूज नहीं करना है। हेना पेस्ट को इस प्रोसेस में स्ट्रेन करके अप्लाई करने से ये होता है कि जब हम हेना को कोन्स के अंदर फिल करके अप्लाई करते वक्त कोन्स इतने स्मूथ आएंगे कि थोड़ा भी रुकावट या डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये कंप्लीट से पुल आउट हो गया है। इसको हम 5-6 टाइम्स रीयूज कर सकते हैं वॉश करके। स्मूथ एंड सिल्की हेना पेस्ट रेडी। इसको ना वाटर बाउल में डिप करके रखे, एक 5-10 मिनट्स के बाद ये सारा हेना पेस्ट को छोड़ देगा जितना भी इसको लगा हुआ था। वॉश करने के बाद इसी तरह इसको 5-6 टाइम्स यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलूंगी ऐसे ही हेना के रिलेटेड, नेल्स मेहंदी के रिलेटेड वीडियोस विद टिप्स के साथ। तो फिर मिलूंगी, अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ आपकी जोया।